بالعيد فرحة وانتظار الهدايا يا زين يوم العيد عند الأجاوي يا سيدي يا سيدي كل البرايا احترت وشهديك في ليلة العيد. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد الذي بعث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. बुज़ुर्गान मोहतरम और घरों पर सुनने वाली काबिल एहतराम माएँ और बहनें, हज़रात साहबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुबारकबाद। आपस में एक दूसरे को तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम से मैं अपने कलाम का आगाज़ कर रहा हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हमारी ज़िंदगी में बार बार ये दिन मसर्रत की और ख़ुशी की दिखाए, न सिर्फ हमें बल्कि पूरे आलम इस्लाम को हर तरह खैर के साथ, आफ़ियत के साथ और जो बलाएँ हैं उन बलाओं को और आजमाइशों को दूर करके, इसलिए कि हम आजमाइश अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आने वाली, एक तो ये कि जैद ने मारा, बकर ने मारा, और ये मारना ये इंसान का वो सहल है, आसान है, लेकिन रब तबारक व ताला की तरफ से जो मार पड़ती है और रब तबारक व ताला की तरफ से जो आजमाइश आती है वही इंतहाई संगीन होती है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। किसी में सहार नहीं, किसी में तहम्मुल और किसी में बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ऐसी आजमाइशों से पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, आमीन। जिन उम्दा लिबास के साथ और जिन उम्दा कपड़ों के साथ हम ईद की नमाज के लिए हाजिर हुए हैं, बाज़ मरतबा किसी को ये ख़्याल होता है, हो सकता है कि भाई फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम घर जाएं और उम्दा कपड़े पहन के फिर आएं ईद के लिए, तो अब हम जो फजर के लिए आ जाते हैं अच्छे कपड़े पहन कर तो फिर सुन्नत में उसकी कोई असल होगी कि नहीं होगी। कान इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा युसल्लिल फज्र यौम ईदिन व अलैहि सियाबुल ईद। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फज्र की नमाज़ पढ़ते थे, ईद के दिन उन पर ईद के कपड़े होते थे, इस एतबार से इसकी असल मौजूद है, लिहाजा मुतमईन रहे। जो बात मुझे ज़िक्र करनी है, आयात कुरानिया को यूँ समझिए कि मैंने तबर्रुकन पढ़ा है। ये ज़िक्र करना है कि रब तबारक व ताला ने हमें जो अहकाम दिए हैं उन अहकाम के पसे पर्दा और उन अहकाम के पीछे रब तबारक व ताला की मसलिहत किया है, हिकमत किया है, रब तबारक व ताला ज़्यादा समझते हैं और रब तबारक व ताला ने उन तमाम हिकमतों को खोला भी नहीं है, बयान भी नहीं किया है। बाज़ मौक़े में रब तबारक व ताला ने इशारे फरमा दिए हैं और जिन आयात कुरानिया का मैंने सहारा लिया है, मैं इशारा कर चुका हूँ जुमा में इस बात की तरफ कि रब तबारक व ताला ने ये जो लयाली अशर का ज़िक्र किया, दस रातों का ज़िक्र किया, उन दस रातों के एतबार से अगर देखा जाए तो शुरू और आखिर को लेकर रब तबारक व ताला ने इशारा इस बात की तरफ फरमाया है, खुसूसी तौर पर दो इबादतों की तरफ, इन नमाज की तरफ और दूसरे हज की तरफ। अब ये कि इन दो इबादतों की तरफ इशारे से और आगे जो मज़मून आ रहा है उस मज़मून से आपस में मुनासबत या जोड़ की क्या शक्ल होगी, रब तबारक व ताला ने अपने कलाम मजीद में जो बातें इरशाद फरमाई है इंतहाई मरबूत और इंतहाई आपस में जुड़ी हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि इंसान उसका इदराक नहीं करता, या तो अपनी कम अकली की वजह से, बवकूफ़ी की वजह से, या गौर नहीं करता, तो किल्लत तदब्बुर के नतीजे में या हमारे अजहान, हमारे अफहाम दूसरी तरफ मुतवज्जे है, इसलिए जो हकाइक है
उन हकायक की तरफ हमारी तवज्जो नहीं हो पाती, लेकिन एक वक्त वो आने वाला है कि उस मौके पर हर एक को रब तबारक व ताला की आयात, रब तबारक व ताला की निशानियों को, रब तबारक व ताला की बयान करदा चीज़ों को मानना पड़ेगा, लेकिन वो मानना अल्लाह की यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। वइदा वकाल कौल अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युकिनून। अजीब व गरीब बात है, मुझे सिर्फ ये जिक्र करना था लेकिन फिर मैं दूसरे मजमून की तरफ जा रहा हूँ। ये जिक्र करना था कि क़यामत से पहले पहले जिस वक्त आफ्ताब मगरिब की जानिब से तुलू होगा, दाब्बतुल अर्द निकलेगा और एक जानवर ज़मीन से निकल कर लोगों से बातें करेगा। रब तबारक व ताला फरमाते ये इस वजह से हमें करना पड़ा है कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं लाते, अब तक मानते नहीं थे, लेकिन जब ये दाब्बा निकला और दाब्बे ने बातें करना शुरू की तो उस मौके पर माना। गोया 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 रब तबारक व ताला इशारा करना चाहते हैं कि ये अनआम है, अनआम की तरह है। उलैक कल अनआम, जो मानने वाले नहीं है वह अनआम की तरह है, चौपायों की तरह है, और चौपाए चौपायों की जबान समझते हैं। दाब्बतम मिनल अर्द, इसलिए रब तबारक व ताला निकालेंगे। अंबिया की बात नहीं मानी, रसूलों की बात नहीं मानी ना मानने वालों ने, अब ये दाब्बतुल अर्द की बात सुनेंगे, दाब्बतुल अर्द की बात मानेंगे। लेकिन मैंने कहा कि उस मौके पर ये मानना मानना नहीं है, ये यकीन करना नहीं है। ये जिस आयत करीमा को रब तबारक व ताला ने जिक्र फरमाया है सूरतुन नमल में है, अजीब बात यह है कि यह नमल जो है बोल रही है, قالت نملة يا أيها النمر ادخلوا مساكنكم। حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے, چیونٹی جو ہے بول رہی ہے اور اسی میں یہ دابت الارض کا ذکر کیا جو بولنے والا ہے, اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا اکتشافات نئے سے نئے ہوں گے اور اس طرح اسلام کے حقائق لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ جو نباتات ہیں, جو یہ درخت اور پیڑ ہیں, उनका हाल भी ऐसा है कि अगर तुम उसमें गौर करो तो उसमें भी हकायक है। ये जानवर का मसला दूसरे नंबर पर आता है। अव्वलन तो ये चीज़ें जिनके बारे में हम ये सोच रहे हैं, हम ये ख्याल कर रहे हैं, उनमें हयात नहीं है, या हैवान की जैसी हयात है वैसी हयात नहीं है। लेकिन हाल किया है कि ये जो दरख्त का तना है, इस दरख्त के तने को अगर काटा जाए, अब यहाँ तो नेचुरली ज़िंदगी कम होती है, उधर नेचुरली ज़िंदगी ज़्यादा, और देहात की ज़िंदगी आम मतन वो नेचुरली होती है, उसमें अगर काटा गया तो उसमें दायरा बना हुआ होता है। वो जो तना होता है, तने को वो काटा गया तो उसमें दायरे बने हुए होते हैं, उन दायरों से उसकी उम्र की तरफ इशारा होता है। अब ये तो एक अरसे के बाद लोग समझ रहे हैं कि अच्छा, इन दायरों में इशारा होता है कि ये दरख्त कितनी उम्र का है, कितने साल का है। सिर्फ इतना नहीं, ये जो दायरे हैं, ये दायरे हर मरतबा यकसा नहीं चलते हैं, बाद मरतबे दायरा टूट जाता है। इशारा इस बात की तरफ होता है कि इस दरख्त के ऊपर हादसा आया, इस दरख्त को जलाया गया है, वो दायरे पर इसका इफेक्ट पड़ता है, दायरे के ऊपर उसका असर पड़ता है। अच्छा, ये दायरा जो है, ये कई एक दायरे हैं। अब ये जो दायरे हैं, तो ये दायरे एक साइज के नहीं होते हैं। बाद मरतबे ये दायरा यहाँ है, यानी ये जो हमारी सफ़े हैं, तो सफ़ों का जैसे अंदाज है, तो उस अंदाज से नहीं, एक दायरा दूसरे दायरे से ज़्यादा कुशादगी वाला है, और बाद जो तंग है उसमें इशारा इस बात की तरफ है कि ये फुला साल में बारिश ज्यादा हुई थी, उसके नतीजे में दरख्त ज्यादा फला था, फूला था, अब ये कि उससे अंदाजा हो रहा है। अब ये देखिए, यानी ये दरख्तों में और नबातात में अगर गौर करे इंसान, तो ऐसी चीजों का इंकिशाफ हो रहा है, तो हैवान में और जानवरों में क्यों नहीं। चुनांचे पहले जमाने में नाकाबिले तसव्वुर होगा कि इस तरीके से नमला और चींटी भी बात करती है, न मानने वालों ने नहीं माना होगा। और आज का ज़माना ऐसा है कि उसमें चार से पांच चीज़ों के बारे में एतराफ़ किया है च्यूटी के बाब में, वो जो कलाम करती है कलाम को मान लिया, च्यूटी जो बात करती है उस बात को तस्लीम कर लिया कि च्यूटी बात करती है। क्या बात करती है अभी उसको समझ नहीं पाए हैं, अलबत्ता चार कम अज़ कम मैं बोल रहा हूँ, चार चीज़ें जो है वो उन्होंने समझ ली है कि हाँ ये कहना चाहती है च्यूटी, ये कहना चाहती है। मसलन क्वेश्चन कि वो तंबीह करना चाहती है, अपने साथियों को तहजीर करना चाहती है, डराना चाहती है और आगाह करना चाहती है, तो ये इशारे इन्होंने समझ लिए हैं साइंसदानों ने। और जमाना आएगा तो फिर उसके बाद जो असल हकीकत है वो क्या बोल रही है, वो पूरी की पूरी बात जो नोट कर ली जाएगी। और जब ये आलम यहां तक इक्तिशाफात का और तहकीकात का पहुंचेगा,
और फिर उसके बाद दाबतुल अर्द अगर निकल रहा है तो उसकी बात में किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। तो बहरहाल ये जिस आयत करीमा का अभी मैंने जिक्र किया वैदा वकाल कौल का, दाबतुल अर्द के निकलने का, वो सूरह नमल में रब तबारक व ताला ने रखा है, और सूरह नमल में रख कर इशारा किया कि नमला भी बोल रही है, दाबतुल अर्द भी बोलेगा। और सिर्फ इतना नहीं, रब तबारक व ताला ने सूरह नमल में आगाज किया तौसीन तिलका आयातुल कुरआन व किताब मुबीन आयात। अब अजीब वो गरीब बात है, मूसा अलैहि सलाम का जिक्र किया, उनके मौजिजात का जिक्र किया, सूरह आराफ में भी उसका जिक्र हुआ है, तूफान का, जराद का, कुंबल का, वफादे का, तो उनका जिक्र हुआ है, उन आयात का, उन बयीनात का और उन दलाइल का। लेकिन सिर्फ सूरह नमल में ये जिक्र किया गया कि आपको हज़रत मूसा अलैहि सलाम को जो यद बैदा दिया गया था, फी तिस आयातिन इला फिरऔन, फी तिस आयात, नाइन निशानियां। और सूरह नमल में शुरू से लेकर आखिर तक तुम जाओगे तो आयात आयात आयात, वो आयात शुरू में आई है तौसीन तिल का आयात, वहां आयात आया है, आखिर में इख्तिताम हो रहा वकुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद फिर आएगा, हम दिखाएंगे अपनी आयात को, नौ दफा आयात 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 आया है, फी तिस आयातिन इला फिरऔन व कौमिही। अजीब व गरीब अंदाज है रब तबारक व ताला के कलाम का। तौसीन उससे आगाज हुआ है, ता सूरह नमल में, ये सूरह नमल का नंबर ये 27 है, 27 और ता 27 दफा आया है सूरह नमल में। सीन आयात उसकी 93, सूरह नमल की आयात 93, और सीन जो आया है सूरह नमल में 93 दफा। रब तबारक व ताला का अजीब व गरीब कलाम है। बहरहाल मैं ये जिक्र कर रहा था कि सूरह फजर में रब तबारक व ताला ने दो इबादात को लाकर इशारा इस बात की तरफ किया है कि जो इंसान है, इंसान का नफ्स मानने के लिए तैयार नहीं होता, और ये जो इंसान का नफ्स है असल में वो सहारा लेता है दो चीजों का, एक अकल का सहारा लेता है और दूसरा सहारा लेता है तो वो तबीयत का सहारा लेता है, और इस बुनियाद पर ये दोनों चीज़ें जो है वो आड़े आ जाती है अमल के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी बात को मानने के लिए। रुकावट जो है ये दो चीज़ें, अकल है, कि अकल रुकावट किस तरीके से हो सकती है, हाँ हुकमा को, फलासफा को, जिस चीज़ ने रब तबारक व ताला की बात मानने से रोका है, ये यही चीज़ है अकल। वो समझ रहे हैं हम बहुत अकलमंद है, बहुत अकलमंद है, तो वो अक्ल की बहुतात, अकल बहुत ज्यादा है, इस एतबार से वो कह रहे हैं अपने अखलाक को दुरुस्त कर लिया उन्होंने, लेकिन अकल के नतीजे में इन्होंने नहीं माना। नानु कौमुन हज़्ज़बना कद हज़्ज़बना अनफुसना, लिहाजा फला हाजत, कोई हाजत नहीं है हमें, इला मन युहज़्ज़िबुना, जो हमारी तहजीब करे, ये हुकमा कह रहे हैं, या तिब्बा, अरे बड़े जो लोग हैं फलासफा किस्म के लोग, वो कह रहे हैं, तो ये क्या है, वो अकल है। अकल उनकी ये कह रही है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम कह रहा, हो नहीं सकता, हम नहीं मानते, नऊज़ु बिल्लाह, क्यों, इस वजह से कि उसमें मक्खी का जिक्र आया, मच्छर का जिक्र आया, मक्खी मच्छर का जिक्र आया हो, अल्लाह इतने जलील जलील शान और अल्लाह इतने जलील कदर, और बात करें तो मक्खी की बात करें और फुला की बात करें, अरे मक्खी की बात करें, ये देखना है कि मक्खी का जिक्र किस लिए आया है, जिसकी मिसाल दी जा रही है, जिसके लिए मिसाल दी जा रही है उसके लिए, मसलन ये कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो, जिनको तुम पूजते हो, उनका हाल किया है कि वह इन यसलुब हुम दुबाबु शैयन ला यस्तनकिदुहु मिनहु, अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले ले, जो चढ़ावा उनके सामने चढ़ाया गया है, अगर उसमें से कुछ ले ले, जर्रा बराबर वो उसे छीन नहीं सकते, ले नहीं सकते। और ये भी अजीब व गरीब बात, रब तबारक व ताला ने मक्खी के बारे में ही जिक्र किया है। वैसे तो कई एक नुक्ते निकल सकते हैं, साफ सरीह बात यह है, रब तबारक व ताला ने यहाँ जुबाब का जिक्र किया और जुबाब में फिर ये फरमाया कि अगर कोई चीज वो छीन ले और ले ले, खाली मक्खी का जिक्र आया है वहां, क्यों, वो इसलिए कि अगर किसी और का जिक्र होता तो औरों का अंदाज अलग है, औरों का अंदाज किया है, औरों का अंदाज ये है कि उन्होंने खाया और खाने के बाद कुछ वक्त के लिए मैदे में वो चीज रहती है, मसलन इंसान है
तो इंसान का हाल भी ऐसे है, हो सकता है चढ़ावा चढ़ा हो, कोई इंसान भी खा के ले गया और लेके चला गया खा गया, ये भी हो सकता है। लेकिन वहां हाल ये है कि उसके पेट में कुछ रहता है, कुछ वक्त तक के लिए रहता है। तो अब अगर मान लो जबरदस्ती करना हो तो जबरदस्ती करके निकलवा सकते हैं, पेट में से भी निकलवा सकते हैं। निकालने वालों ने निकाला है कि भाई ये सुबह वाला था, लिहाजा निकाला। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला वगैरह ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने, हाफिज़ इब्न हज़र अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम दानौती रहमतुल्लाह अलैह ने, तो निकालने वालों ने निकाला। लेकिन ये मक्खी एक ऐसी चीज़ है और मक्खी एक ऐसा हैवान है कि मक्खी का अंदाज ये है कि जिस तरीके से हुवर, हुवर एक कंपनी का नाम है, लेकिन आम मतलब वो हुवर जो है वो चल पड़ा है कि हुवर करते हैं, हुवर करते हैं। तो ये जो वैक्यूम है, ये वैक्यूम का जो अंदाज है कि वैक्यूम जो है वो इस तरीके से खींच लेता है, जो नीचे चीज़ होती है उसको खींच लेता है वैक्यूम, ठीक इसी तरीके से मक्खी का हाल है। मक्खी की जो सूंड जैसी होती है वो सूंड वो पूरा जो वो खींच लेती है, खींचने के बाद उसका अंदाज ये होता है कि जहाँ पहुँचाया फौरन हजम। अल्लाह ने इसलिए फरमाया वइन यस्लुबहुमु ज़ुबाबु शयअन ला यस्तन्क़िज़ूहु मिन्हु, उसमें से थोड़ा भी नहीं आप वापस ला सकते हैं, थोड़ा भी नहीं। क्यों? उसका हाल ऐसा है कि जैसे ही लिया फौरन ख़त्म खलास, और जहाँ जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा दिया। यानी जिन चीज़ों की मदद से उसे काम करना है परवाज के लिए, उड़ने वगैरह के लिए, वो सब चीज़ें ताकत बनकर वहाँ पहुँच जाती है। अजीब व गरीब हाल है। बहरहाल मुझे तो यह अर्ज़ करना था कि अल्लाह तबारक व ताला से रोकने वाली और अल्लाह तबारक व ताला के अवामिर से बाज रखने वाली जो चीज़ें हैं तो उनमें से एक अकल है और दूसरी जो है वो तबीयत है। तो रब तबारक व ताला का अंदाज देखिए कि रब तबारक व ताला ने अकल को इस्तेमाल करने के लिए ऐसी चीज़ का ऐसा हकाम का हुक्म दिया कि अकल वो उसको तस्लीम कर ले और मान ले, यानी अकल पर वो गालिब आ जाए और वो तस्लीम कर ले, मान ले। कुछ चीज़ें ऐसी दी है, कुछ अहकाम ऐसे दिए हैं कि जो तबीयत, वो तबीयत से मैच खाने वाले हैं, तबीयत के ऊपर वो गालिब आ जाते हैं, तब उसके बाद ये दोनों चीज़ें वो आ गई अपने हाथ में। अब उसके बाद उनको हुक्म दिया जाए अकल को ऐसा करना है, हुक्म दिया जाए तबीयत को ऐसा करना है, तो अब आमदा हो जाएंगे, अब तैयार हो जाएंगे। ये तमाम जो अहकाम उन तमाम अहकाम की तरफ तो नहीं, मुख्तसर सा इशारा, चूँकि मैंने अभी दो का जिक्र किया है, नमाज का जिक्र किया और दूसरा नुसुख का जिक्र किया है, उसकी मुनासिबत से मैं जिक्र कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे पास तकरीबन दो मिनट है। मुख्तसर इशारा, एकदम इशारा, इशारा नहीं इशारा दर इशारा, वो किया है कि नमाज जो है ये अकल को पकड़ने वाली है, अकल को अपनी गिरफ्त में लेने वाली है। वो किस तरीके पर? वो इसलिए कि अकल तस्लीम करती है, अकल मानती है कि हाँ जो बड़ा होता है तो उसके सामने ऐसा ऐसा होना चाहिए। इस एतबार से नमाज के ज़रिया मुतवज्जे किया है कि तुम्हें एक हाकिम के सामने खड़ा होना है। दूसरी चीज़ जो है वो नुसुक है, हज है। हज में क्या होता है? अकल आज़ाद रहना चाहती है, अकल आज़ाद रहना चाहती है, उसके लिए कैद वेद कि नहीं, वो कैद वेद को मैं पसंद नहीं करता, थोड़ी बहुत मुख्तसर से अगर कुछ हो तो ठीक है, उसको बर्दाश्त कर लेती है अकल। लेकिन मकान और जगह की कैद कि नहीं, मकान और जगह की कैद मुझे तस्लीम नहीं। अल्लाह जब अल्लाह है तो फिर अल्लाह किसी मकान में आ जाए या अल्लाह किसी जगह में अपनी तजल्ली का नुज़ूल करे, आई कान एक्सेप्ट। तो ऐसे मौके पर अब तबीयत को बनाना पड़ेगा, और तबीयत चाहती है मकान को और जगह को कि हाँ होना चाहिए, मेरे महबूब का कोई मकान होना चाहिए या कोई मकान ऐसा होना चाहिए कि उस मकान की निस्बत मेरे महबूब की तरफ हो, इसलिए अब तबीयत को आमदा किया जा रहा है। तमाम इबादतों का हाल ऐसे है, लेकिन मैंने कहा सिर्फ मैंने दो का सहारा लिया, इस एतबार में दो का जिक्र कर रहा हूँ, नमाज का और नुसुख का। और नुसुख में फिर आखिरी मरहला ये आता है, वहाँ जो काम है अकल के खिलाफ है, हज में जो काम है वो सब अकल के खिलाफ है, लेकिन तबीयत उसको तस्लीम करती है, तबीयत मानती है, इसलिए कि तबीयत फिर अकल के ऊपर गालिब आ जाती है, उसका नहीं मानती, तबीयत उसका नहीं मानती है वो, इसलिए कि तबीयत समझती है कि नहीं नहीं ताल्लुक हो जाता है तो फिर उसके बाद सब कुछ होता है। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक हो गया, लिहाजा उस मकान के चक्कर में लगाऊं, यहां हुक्म दिया वहां चला गया, कंकर मारा, ये किया वो किया, सब उसके एतबार से, तबीयत के एतबार से सब काबिल कबूल है। जान का फिदिया दो, जान का फिदिया लेने की भी, फिदिया देने के लिए तैयार, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का फिदिया आ गया दुम्बे की शक्ल में, उसके नतीजे में रब तबारक व तआला ने जानवर को बदल बना दिया,
لہذا اب یہ جانور کی قربانی کر رہا ہے تو یہ جو قربانی ہو رہی ہے وہ عقل کے مطابق ہے، عقل کے مطابق نہیں طبیعت کے مطابق ہے۔ عقل تو نہ کہہ رہی تھی، عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ کووڈ 19 کا زمانہ ہے، کووڈ 19 کا زمانہ، اور اس میں کتنے غربا یہ اور وہ، لہذا یہ سب پیسے وہاں دینے چاہیے۔ دیکھا ہاں 1912 کے اندر میں یہ صدا بلند ہوئی ہے، 1912 میں یہ صدا بلند ہوئی ہے جب ترکیوں کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی تھی، ترکیوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا اور ان کی جانیں جا رہی تھی۔ اس موقع پر ایک بڑے عالم صاحب، بڑے مورخ صاحب، انہوں نے کہا، انہوں نے تحریک اٹھائی، پھر اس کے بعد دوسروں نے لبیک کہا، چل پڑا سلسلہ، شبلی نعمانی ان کے پیچھے چلے ہیں، پھر مفتی عبداللہ ٹھونکی اور پھر ان کے پیچھے چلے ہیں مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی، اور ان سب نے کہا کہ ہاں قربانی، قربانی کا پیسہ، قربانی اس سال نہیں کرنے کی، اور وہ پیسہ جو ہے دے دینے کا، کہاں ہے ترکیوں کو بھیج دینے کا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہرانپوری نور اللہ مرقدہ نے کان پکڑا، جب ان کے پاس تحریر پہنچ رہی ہے تو مفتی صاحب کو پکڑا کہ بھائی دوسروں کی بات تو جانے دو، باقی یہ کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ مفتی عبداللہ صاحب ٹونکی کا کان پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کی، ان کو تنبیہ کی، کیا کر رہے ہو تم، یہ حرکت کیسی۔ تو یہ الگ الگ فریضے ہیں، الگ الگ فریضے ہیں، یہ ایک الگ ذمہ داری ہے، ایک الگ واجب ہے، یا الگ سنت ہے، جو سنت مانتے ہیں سنت، سنت موقعہ قربانی، اور جو کہہ رہا واجب تو واجب۔ بہرحال یہ قربانی الگ چیز ہے، اور یہ صدقہ خیرات وغیرہ اسلام منع نہیں کر رہا، دوسرے پیسے بھی تو نکالو، دوسرے پیسے تو نکالتے ہیں۔ مجھے بعض مرتبہ اشکال ہوتا ہے، یہاں بعض مرتبہ فنڈ ریزنگ، یہ فنڈ کو رائس کرتے ہیں، پکاتے ہیں رائس۔ اچھا، تو یہ جو فنڈ ریزنگ ہوتا ہے، فنڈ ریزنگ میں جو سلسلہ ہے دوسروں کو دیکھ کر، کھانا پکاؤ کھلاؤ پھر اس کے بعد پیسہ بڑھاؤ، ارے بھائی مسلمان مر گئے، ان کے ضمیر مر گئے، ان کو یہ نہیں کہا جاتا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، اس کے لیے آبادہ کرو، اس کے لیے تیار کرو، یہ مطلب تھوڑا ہی برطانیہ میں آئے تو آپ اس کے بعد دوسری چیزیں لے لی، نہیں، ان کے ضمیر مرے نہیں ہیں مسلمانوں کے، مسلمانوں کو آیات کے ذریعہ اور احادیث کے ذریعہ سمجھاؤ، ضرورت ہے اس موقع پر، نکالو اللہ کے راستے میں، یہ کیا شکل بنا رکھا ہے کہ کھانا پکاؤ اور یہ دعوتیں کرو، باہر سے اسپیکرز کو بلاؤ اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ذہن بناؤ، کیا مطلب ہے بھائی؟ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے قرآن کو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز مجھے چھیڑنا نہیں تھا، لیکن یہ کہ ضروری بھی تھا، اس وجہ سے میں نے چھیڑ دیا کہ یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ اسلام کا انداز نہیں ہے، یہ غیروں کا عمل ہے، غیروں کے ساتھ مشابہت ہے، نہیں، ایسے چندے کئی ایک ہوئے ہیں اسلام میں، کئی ایک چندے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں چندے ہوئے ہیں، یہ فنڈ ریزنگ کیسا؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ حکم الگ ہے، وہ حکم الگ ہے۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا اگر ہیلپ کر رہا ہے کووڈ 19 کے متاثرین کو اور غربا کو اور مساکین کو، تو اپنی جیب ہلکی کرو، اپنی جیب میں سے پیسہ نکالو۔ حضرت عبید اللہ ابن ابو بکرا ثقفی 160 گھرانوں کا کھانا وہ پہنچاتے تھے، 160 گھرانوں کا کھانا، اور عید کے دن میں، عید کے دن میں 100 غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور ان سے حبیرہ نے دودھ مانگا، گائے کا دودھ، 700 گائیں چرواہوں کے ساتھ بھیجی ان کے یہاں، دودھ مانگا ہے 700 گائے، دینے والے اس طرح دیتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ قربانی کی بھی قربانی کر دو، ہیلپ کرنا ہے غربا کی، مساکین کی، تو قربانی کی قربانی، اور کہا کہ یہ پیسہ ادھر دینا چاہیے، سینس میک نہیں ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے سینس میک نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے اگر یہ کہا جائے کہ تم کھیتی کے مسائل بیان کرو، میں کیا بیان کروں گا؟ نہیں جانتا، صاف نہ کہہ دوں گا، کھیتی کے مسائل میں نہیں جانتا، انجینئرنگ کے مسائل میں نہیں جانتا، لیکن دین کے باب میں مسلمان کی کمزوری یہ ہے کہ مسلمان یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ ادنا مسلمان جس کو معلومات نہیں ہے دین کی، اور ایک وہ عالم ہے جس نے ایک سال لمبا چوڑا سال وقفہ گزارا ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں، لہذا تمیز کرنا چاہیے، شعور کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیاوی نالج لیے ہوئے ہیں، لیکن دنیاوی نالج کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین میں بھی کامل ہو گئے ہیں، یا دین میں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے اور حدیث نے جو بیان کیا ہے اس کو لینا ہے، لہذا قربانی اپنے طور پر ہوگی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ گوشت ووش کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا ہے، ولیکن ینال التقوی منکم، تقوی پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی کیا، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہ شعائر میں سے ہے، لہذا قربانی کرنا ہے، صدقات دینا ہے، الگ دینا ہے۔ اگر کسی کی زبان بول رہی ہے،
आंखें काम कर रही है, आंखें काम कर रही है, लिहाजा आप जबान को बोलने की जरूरत नहीं, जबान को काट को फेंक दो। अरे भाई, जबान का अलग मैदान है और इसका अलग काम है, दोनों की अहमियत अपनी अपनी जगह पर है। ठीक इसी तरीके से कुर्बानी की अहमियत अपनी जगह है और सदकात गुरबा उनकी मदद अपने पैसों के जरिया, नवाफिल के जरिए, नफल पैसों के जरिया, नफल सदकात के जरिया, ये अलग मैदान है, उसकी अलग अहमियत है। इसकी अहमियत के नतीजे में उसकी अहमियत घटा दो, ऐसा नहीं है। लिहाजा हर एक को अपने अपने मौके पर रखना चाहिए। रब तबारक व तआला जो कुछ कहा गया सही माना में समझने की और काबिल अमल चीज़ों पर अमल की तौफीक रहमत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलिही वसहबी।